अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 6 अप्रैल को एक कंपनी ने पॉलिसी अनाउंस की है डिस्काउंट की। इस डिस्काउंट की पॉलिसी को लेकर काफ़ी रेगुलर पेमेंट्स करने वाले जो हैं उनके माइंड में डिफरेंट डाउट्स आ गए हैं कि शायद इररेगुलर पेमेंट करने वाले को ज़्यादा फायदा मिल रहा है इससे इंस्टेड ऑफ रेगुलर पे। आई मोहम्मद अफाक फ्राम RBS प्लेटफॉर्म इज़ हेयर टू एड्रेस यू ऑन दिस मैटर। और मैं आपसे कुछ पॉइंट्स डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि आप लोग जो रेगुलर पेईज़ हैं वो कितने एडवांटेज में हैं इस वक्त इररेगुलर पेमेंट करने वालों से। तो सबसे पहले जो मैं स्टार्ट लूँगा वो स्टार्ट मैं लूँगा आपके रेगुलर पेमेंट करने वालों से। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, जो रेगुलर पेमेंट्स हम लोगों को कर रहे हैं, सबसे बड़ा एडवांटेज उनको जो प्लॉट एलोकेशन है उसका दिया जा रहा है। डेफिनेटली आपकी पेमेंट्स रेगुलर जा रही हैं, कंपनी इस बात को एक्नॉलेज करती है, कंपनी के पास टोटल रिकॉर्ड है, वो देख रही है कि आप अपना क्वार्टर जो है वो टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं। तो प्लॉट एलोकेशन के अंदर आपको प्रायोरिटी दी जा रही है। सेकेंडली, प्लॉट एलोकेशन के बाद जो प्राइम प्लॉट लोकेशंस हैं इन कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद डिफरेंट ब्लॉक्स में, फॉर एग्जांपल चाहे वो पार्क फेसिंग है, वेदर इट इज़ मॉस फेसिंग, या फिर उसके बाद कॉर्नर है, मेन बुलेवार्ड का प्लॉट है, या कमर्शियल की साइड पे प्लॉट है, कुछ ऐसी लोकेशंस हैं। हर क्लाइंट का एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, हर क्लाइंट की डिफरेंट नीड है। तो आपको प्राइम लोकेशन के अंदर जो है स्पेशली आपको प्रायोरिटी दी जा रही है, ठीक है जी। उसके बाद हम लोग आते हैं पोजेशन के ऊपर। जब एलोकेशन और प्राइम लोकेशंस के बाद आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी पोजेशन है प्लॉट की, ठीक है। तो प्लॉट पोजेशन जो है वो डेफिनेटली जो रेगुलर पेमेंट करने वाले को हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी इंस्टेड ऑफ जो आपके इररेगुलर पेमेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा पॉजिटिव स्टेप कंपनी ने इसके अंदर और जो एक एडवांटेज आप लोगों के लिए अनाउंस की है वो ये है कि जो फर्स्ट 200 मेंबर्स होंगे जो पोजेशन के लिए अप्लाई करेंगे जो फर्स्ट 200 मेंबर्स हैं जो पोजेशन के लिए अप्लाई करेंगे उनको 50% डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं उसकी कॉस्ट लेस कर दी जाएगी, ठीक है। तो 50% डिस्काउंट है आपको डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर जो फर्स्ट 200 मेंबर्स अपनी पोजेशन के लिए अप्लाई करेंगे कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की मैनेजमेंट को। अब हम लोग आते हैं जो आपका एक इशू था, जो क्लाइंट्स ओवरसीज़ बैठे हुए थे और ओवरसीज़ से वो स्पेशली जो एमिरेट्स नेशनल बैंक ऑफ दुबई है उसमें पेमेंट्स करते थे अपनी, चाहे वो बुकिंग अमाउंट थी, चाहे वो कन्फर्मेशन की अमाउंट थी, या वो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स थी। तो जब वो यहाँ पर स्टेटमेंट शो होती थी तो वहाँ पे इन्फ्लेशन और एक्सचेंज रेट जो है वो डिफरेंशिएट कर जाता था। फॉर एग्जांपल अगर वहाँ से पेमेंट उन्होंने 40 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में जो एक दरम है वहाँ पे पेमेंट की उन्होंने, तो यहाँ पर 39 शो हो जाएगी या 39.2 शो हो जाएगी, तो वो 0.80 पैसा या कुछ था, वो इन्फ्लेशन रेट या उसे एक्सचेंज रेट कहते हैं, वो डिफरेंशिएट पड़ जाता था। उस डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए कंपनी ने अब जो पॉलिसी बनाई है वो आपको जो रेगुलर पेमेंट करने वाले हैं स्पेशली, आप अगर पेमेंट वहाँ से अपने जिस रेट पे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर एक डेली बेसिस का रेट चल रहा होता है, आप उस रेट के ऊपर करेंगे अपनी पेमेंट को, तो वो स्ट्रेट अवे उसी रेट के ऊपर यहाँ पे पाकिस्तान में कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट रिकनसाइल करेगी उसे, आपसे एक्सचेंज रेट जो है वो चार्ज नहीं किया जाएगा। ये कंपनी के पास 110% राइट है कि कंपनी आपको डेफिनेटली चार्ज कर सकती है जो आपका एक्सचेंज रेट है, लेकिन कंपनी ने उसे वेव ऑफ कर दिया। कंपनी वो रेट आपसे चार्ज नहीं करेगी एक्सचेंज रेट को, और आपकी जो पेमेंट आपने की है आपको एज इट इज़ उतनी ही पेमेंट आपकी यहाँ पर रिकनसाइल हो जाएगी। जो सबसे ज़बरदस्त चीज़ है वो ये है कि आप लोगों को जो रेगुलर पेमेंट्स करने वाले हैं स्पेशली, ठीक है, अगर आप अपना क्वार्टर लेट करते हैं तो कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक 0.25% आपको इंस्टॉलमेंट रेट का पर डे के हिसाब से चार्ज पड़ता है। हम वो भी नहीं ले रहे, वो भी आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं जो आपका पॉलिसी जो 6 अप्रैल को आई थी उसमें 6% डिस्काउंट जो रेगुलर कस्टमर्स के लिए था, 3% जो इररेगुलर कस्टमर्स के लिए था, वो मैं थोड़ा क्लेरिफाई करता जाऊँ। देखिए, अगर आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हैं या आप हमें एडवांस में, फॉर एग्जांपल हमें 6 क्वार्टर्स आपने पे कर दिए, ठीक है, इसकी जो एग्जांपल होगी वो इस तरह मैं आपको देता हूँ कि अगर आप अपना प्लॉट 50% बुक करते हैं तो
डेफिनेटली आपको उस टाइम पे 5% डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, और वो ऑफर आप उसी टाइम अवेल कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। ऐसा नहीं है कि आप 10% बुक करके उसके बाद कंफर्मेशन पे करें अपनी और उसके बाद आप कंपनी कह दें जी मैं तो 40% और पे करता हूँ, मेरी 60% हो जाएगी, मुझे आप डिस्काउंट दे दें। ये पॉलिसी ऐसी नहीं है। ये डिस्काउंट पॉलिसी उस टाइम दी जाती थी अगर आप अपना प्लॉट 50% के ऊपर बुक करते थे, कंपनी आपको 5% डिस्काउंट दे देती थी ऑफ टोटल यूनिट प्राइस, या अगर आप लमसम पे करते तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता था। अभी सिनेरियो चेंज कर दिया गया, अभी आपको 6% डिस्काउंट मिलेगा 50% पेमेंट के ऊपर, प्लस 12% डिस्काउंट मिलेगा आपको लमसम पेमेंट के ऊपर। अब हम यही बात अगर इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर लें तो ये चीज़ जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है ये जस्ट इस सूरत में थी डिस्काउंट की कि अगर आप अपनी पेमेंट को 50% पे लेके जा रहे हैं स्ट्रेट अवे, उस पर बुक कर रहे हैं प्लॉट और आपको 5% डिस्काउंट दे रही है कंपनी। लेकिन कंपनी ने अभी ये जो पैनडेमिक सिचुएशन चल रही है इसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के लिए एक आसानी कर दी कि आप अगर हमें 6 क्वार्टर्स पे कर देते हैं तो हम आपको 6% डिस्काउंट दे देंगे स्ट्रेट अवे ऑफ टोटल यूनिट प्राइस, नॉट ऑन इंस्टॉलमेंट प्राइस, ठीक है, जो आपका क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है उसके ऊपर नहीं, टोटल यूनिट प्राइस के ऊपर आपको 6% डिस्काउंट मिलेगा। वेयर एज जो आपके इररेगुलर पेमेंट करने वाले हैं उनको 3% मिलेगा। तो डेफिनेटली जो रेगुलर पेमेंट करने वाले हैं वो उन्हें एडवांटेज है, ठीक है, मतलब आपका हाफ इररेगुलर पेमेंट करने वालों को मिल रहा है। और फिर जब आप 50% पे एक प्लॉट बुक किया करते थे 6 अप्रैल से पहले तो उसमें होता यह था कि आपके 6 क्वार्टर्स आपको मिलते थे, जो आपकी रेस्ट पेमेंट रह जाती थी 50% प्लॉट मैच्योर करने के लिए, तो आप उसे 1.5 साल के अरसे में उसे पूरा करते थे। अभी अगर आप फर्ज करें 6 क्वार्टर्स आपने हमें पे कर दिए, ठीक है, तो आप 18 मंथ्स के लिए आप इजी हो जाएंगे, आपने 18 मंथ्स तक हमें कोई क्वार्टर नहीं देना क्योंकि आप एडवांस पे कर चुके हैं, प्लस 6% ऑन टोटल यूनिट प्राइस डिस्काउंट भी ले गए हैं, ठीक है। इररेगुलर पेमेंट करने वालों के लिए 3% डिस्काउंट है, और जो सबसे बड़ा उनके लिए जो अनाउंसमेंट की गई है वो ये है कि आपको जो पर्क्स हैं, जो एक रेगुलर पेमेंट करने वाला जो एडवांटेज ले रहा है, अगर आपने वही एडवांटेजेस अवेल करने हैं या वही जो फैसिलिटीज़ हैं वो आप अवेल करना चाह रहे हैं, तो आप अपने जितने पेंडिंग क्वार्टर्स हैं वो अपने पे ऑफ करेंगे, ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट कमिंग पेमेंट है आपकी आप वो टाइमली अपनी पे करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप अगर 2 क्वार्टर्स पे करके फिर खामोश होकर बैठ जाएं, ऐसा नहीं होगा, आप अपने पेमेंट्स को साथ साथ लेके चलते रहें, आप डेफिनेटली वही फैसिलिटीज़ लेंगे जो एक रेगुलर पेमेंट करने वाला ले रहा है, लेकिन डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली रेगुलर पेमेंट करने वाले की 6% है और इररेगुलर करने वाले की 3% है। इसके बाद हम लोग शिफ्ट करते हैं जी जो रेगुलर पेमेंट करने वाले, डेफिनेटली हम जो कंपनी है जो कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद है और हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड इसे ओन कर रहे हैं, तो जितने अंदर जो लेयर क्लब्स हैं, फॉर एग्जांपल आपके लेयर क्लब आ जाएगा, आपका यैश क्लब आ जाएगा, उसके बाद आपका रिवर साइड क्लब है, और जो फ्यूचर में हम जो भी चीज़ें अनाउंस करेंगे, ठीक है, उसकी मेम्बरशिप में आपको 10% डिस्काउंट ऑफर कर रही है कंपनी, ठीक है। तो लेयर क्लब्स, रिवरसाइड क्लब और उसके बाद आपका यैच क्लब, आपको 10% स्ट्रेट अवे डिस्काउंट दे दिया जाएगा मेंबरशिप फीस के ऊपर। और प्रीवियसली हमने देखा है जो हमारी 21 दिसंबर को बैलेटिंग हुई थी, ठीक है, उसमें जो लोग इररेगुलर पेमेंट करने वाले थे और उन्होंने जो अपनी बुकिंग की हुई थी वो ओवरसीज 1 और ओवरसीज एग्जीक्यूटिव 1 के अंदर की हुई थी, और जो बाद में लोगों ने आके जिन्होंने अपनी पेमेंट्स जो है वो कंटिन्यू रखी, जो रेगुलरली पे किया उनके बाद उन्होंने प्लॉट बुक किया, ठीक है, वो ओवरसीज 2 और एग्जीक्यूटिव 2 में डेफिनेटली बुक हुआ। लेकिन जब वो रेगुलर पेमेंट्स कर रहे थे और जो बंदा इररेगुलर पेमेंट्स कर रहा था, तो इन दोनों को शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट कैसे किया गया कि जो बंदा हुज प्लॉट वॉज बुकड इन ओवरसीज 2 और एग्जीक्यूटिव 2 एंड ही वॉज पेइंग हिज क्वार्टर्स रेगुलरली, ठीक है, वो अपने क्वार्टर्स को अपने टाइम पे पे कर रहा था, उसमें कोई वो टाइम को आगे पीछे नहीं कर रहा था, टाइम गेन नहीं कर रहा था, तो कंपनी ने जब बैलेटिंग हुई तो उन्हें एक्नॉलेज किया रेगुलर पेमेंट करने वालों को, उन्हीं लोगों को एक्नॉलेज किया जिन्होंने अपनी पेमेंट्स की हुई थी। प्रायोरिटी डेफिनेटली आप लोगों को भी दी गई है, और जो ओल्ड कस्टमर से उनसे भी रब्ता किया गया कि आप अपनी क्वार्टर्स को पे ऑफ करके आप अपनी पोजेशन अपने बैलेटिंग के अंदर इंटर हो सकते हैं 21 दिसंबर को।
अगर किसी ने वो पेमेंट की तो वो डेफिनेटली इंटर हुआ, अगर जिसने नहीं की तो उसे ओवरसीज वन या एग्जीक्यूटिव वन से उठाकर ओवरसीज टू और एग्जीक्यूटिव टू में शिफ्ट कर दिया गया। और जो लोग एग्जीक्यूटिव टू या ओवरसीज टू में प्लॉट बुक कर चुके थे और उन्होंने अपनी पेमेंट्स जो है वो कंटिन्यू की, 50% पूरी की, उनको कंपनी ने प्रायोरिटी देके ओवरसीज वन और एग्जीक्यूटिव वन में शिफ्ट कर दिया। और अभी वो माशाल्लाह वो लोग प्लॉट लेके बैठे हुए हैं अपने, वो मैप के ऊपर प्लॉट एलोकेट हो चुके हैं उन्हें, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला करीब पोजेशन मिल जाएगी उस प्लॉट की उन्हें। तो ये वो एडवांटेजेस हैं जो एक रेगुलर पेमेंट करने वाले को डेफिनेटली हम लोग दे रहे हैं। अगर आपके माइंड में किसी किस्म का भी अभी भी डाउट है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में एक मैसेज लीव करें। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो 24/7 लाइव चैट के ऊपर अवेलेबल हैं। हमारी वेबसाइट सबसे अपडेटेड वेबसाइट है www.rbslan.com, ठीक है। आप rbslan.com के ऊपर जाके जितनी डेवलपमेंट पिक्स हैं, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपडेट आपको चाहिए, आपकी कोई क्यूरी आप वहाँ लीव कर सकते हैं, या जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं आप इनके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा जो आप सोशल मीडिया डेफिनेटली आप लोग यूज़ करते होंगे, आप सोशल मीडिया के ऊपर हमारे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के नाम से हैं, उन पेजेस को फॉलो किया करें। उसका फॉलो करने का आपको एडवांटेज ये है कि आपको काफ़ी अपडेट्स रिगार्डिंग कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। सिर्फ डेवलपमेंट पिक्स ही नहीं, उसके अलावा भी जो अब जो चीज़ें कैपिटल स्मार्ट सिटी में आ रही हैं दिन ब दिन, जो अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, वो एज इट इज़ आपको वहाँ पर हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर मिलेंगी। इसके बाद YouTube के ऊपर हमारा पेज है RBS रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, आप उसे सब्सक्राइब करें। जितना डेवलपमेंट वर्क है, जो नई अनाउंसमेंट है, ठीक है, उसके बाद जो इन फ्यूचर जो चीज़ें कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट जो हबीब रफीक प्राइवेट लिमिटेड जो कैपिटल स्मार्ट सिटी में लेके आ रहा है, वो सब डिटेल्स आपको वीडियो फॉर्मेट में वहाँ पर मिलेंगी। हमारे एक्सपर्ट्स डिफरेंट चीज़ों के ऊपर वीडियोस बना के आप लोगों को गाइड करते रहते हैं, और डेफिनेटली आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आप हमें काइंडली फीडबैक दिया करें, आप हमें बताया करें, आप अपने क्वेश्चंस हमसे किया करें। अगर आपको किसी किस्म का कोई डाउट है, किसी किस्म का कोई डाउट आपके माइंड में आ रहा है, या कोई आप क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, या आप हमसे पूछना चाह रहे हैं, हमसे रब्ता करना चाह रहे हैं, तो ये मैंने 3-4 प्लेटफॉर्म्स आपको अभी दे दिए हैं जिसमें आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे लाइव चैट कर सकते हैं हमारे साथ। उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया पेजेस हैं और हमारा जो यूट्यूब का पेज है, उसके ऊपर आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाके हमसे बात कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला वन ऑफ अवर एक्सपर्ट्स विल गाइड यू प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू दैट। इन द एंड मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि अपनी जो पेमेंट्स हैं 30 अप्रैल तक जो डिस्काउंट पॉलिसी कंपनी ने अनाउंस की है, उसे अवेल करें, ठीक है। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम लोग आपसे बस मतलब आपको कोई फोर्स कर रहे हैं या कंपनी का डिसीजन जो इम्पोज कर रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ यू आर इजी टू पे इट, आप डेफिनेटली डिस्काउंट लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने आपको अभी एडवांटेजेस बताए हैं रेगुलर पेमेंट्स करने वालों के, आप वो उसको भी देखिएगा काइंडली कि आपको किन किन चीज़ों में एडवांटेजेस मिल रहे हैं। आप सबसे मेन चीज़ें जो हैं वो एलोकेशन, पोजेशन और प्राइम लोकेशंस हैं प्लॉट्स की, उसके अंदर आपको प्रायोरिटी दी जा रही है। उसके बाद डिफरेंट पॉइंट्स वो वीडियो में डिस्कस हो चुकी हैं। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है, इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप जाके हमें कमेंट्स करें, आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछें, आपको आंसर किया जाएगा। और काइंडली अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और इस जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है इससे अपने आप को सेफ रखें। थैंक यू वेरी मच।